हेलो गाइस, जय हिंद डिफेंस की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी के सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से ऑपरेट करना कितना ज़्यादा अच्छा होगा, क्या क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं और ऐसी कौन सी नौबत आ गई आखिर कि इंडियन नेवी को एक लाइटवेट कैटेगरी के फाइटर जेट को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने की ज़रूरत पढ़ने वाली है या पढ़ सकती है। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 यानी INS विक्रमादित्य का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसके बाद इसके जो बेसिंग ट्रायल्स है वो इस वर्ष चल रहे हैं और अगले वर्ष के 15 अगस्त तक ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 ये नेवी की सर्विस में शामिल हो जाएगा, जिसके बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक एयर विंग भी स्थापित करनी पड़ेगी। तो बेसिकली अभी अगर हम ऑप्शन की बात करें भारतीय नौसेना की INS विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए, तो ये जो एयर विंग है इसमें MiG-29 आ सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है डसॉल्ट राफेल, तीसरा ऑप्शन हो सकता है F-18 सुपर हॉर्नेट और चौथा ऑप्शन हो सकता है तेजस फाइटर जेट। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो कुछ इस प्रकार है कि भारत अभी खुद का TDBO फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, तो इस फाइटर जेट की डेवलपमेंट के लिए इंडियन नेवी ने खुद सपोर्ट किया है। तो अभी इस फाइटर जेट की जब तक के डेवलपमेंट नहीं होती तब तक के इंडियन नेवी को कोई नया फाइटर जेट नहीं ही मिलने वाला, अब ऐसा पकड़ के चलिए, यानी कोई दूसरा फॉरेन फाइटर जेट। ऐसे में इंडियन नेवी के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है तेजस फाइटर जेट का। अगर हम तेजस फाइटर जेट की नेवल वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों, तेजस फाइटर जेट का जो नेवी का वेरिएंट है वो एक्चुअली में एक ट्विन सीट वेरिएंट है, जिसे इतना कैपेबल बनाया गया है कि ये नेवी का फाइटर जेट यानी ये नेवल तेजस फाइटर जेट किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सके। इवन पहले तो प्लान कुछ ऐसा था कि इंडियन नेवी अपने MiG-29 को रिटायर कर दे और इन तेजस फाइटर जेट को ही उनकी जगह इंडक्ट करे, लेकिन फिर नेवी द्वारा इसे अपोज किया गया और अभी जो MiG-29 फाइटर जेट है उन्हें ही इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। यानी यहाँ से नेवल तेजस का जो प्रोग्राम था वो एक तरीके से बंद हो चुका था, लेकिन अभी जब सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर या कहे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बन के तैयार हो चुका है, ऐसे में इंडियन नेवी के पास सफिशेंट नंबर में एयरक्राफ्ट की या कहे फाइटर जेट की फ्लीट मौजूद नहीं है। और अभी अगर इंडियन नेवी के लिए राफाल या F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर जेट को खरीद लेती है वो भी 36 के नंबर में, तो ऐसे में इन फाइटर जेट की जो लाइफ स्पैन है एटलीस्ट 40 साल तक होती है। ऐसे में इन फाइटर जेट का फिर क्या किया जाएगा, क्योंकि इंडियन नेवी ने अभी अपना TDBF प्रोग्राम भी चला रखा है, तो यहाँ या तो TDBF को कैंसिल करना पड़ेगा या इंडियन नेवी के नेवल मल्टी रोल फाइटर जेट प्रोग्राम को। तो ऐसे में इंडियन नेवी द्वारा इस नेवल मल्टी रोल फाइटर जेट प्रोग्राम को, जिसमें कोई विदेशी या कहे AP-18 सुपर हॉर्नेट और डसॉल्ट राफेल में से एक फाइटर जेट खरीदना था, इस डील को कैंसिल कर दिया गया या कहे कि अभी ये कैंसिल होने वाली है। तो ऐसी कुछ कंडीशन बनी है और इसी वजह से अभी इंडियन नेवी की तरफ से ऐसा प्रस्ताव रखा जा रहा है कि इंडियन नेवी अभी LCA तेजस को खरीदे। अब हम जान लेते हैं LCA तेजस के क्या क्या एडवांटेजेस इंडियन नेवी को मिलेंगे जब LCA तेजस को इंडियन नेवी के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर से यानी हमारे INS विक्रांत से ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों, तेजस फाइटर जेट एक लाइट कैटेगरी का फाइटर जेट है, जिसका अर्थ ये है कि तेजस फाइटर जेट का जो साइज है वो एज कम्पेयर टू डसॉल्ट राफेल और MiG-29 छोटा बैठता है, जिस वजह से तेजस फाइटर जेट इजीली INS विक्रांत में स्टोर किया जा सकेगा। उसी के साथ साथ जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। इवन अगर हम देखें तो हम कुछ ज़्यादा नंबर में तेजस फाइटर जेट को INS विक्रांत से ऑपरेट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तहत आप ऐसा समझ लीजिए, जहाँ एक वक्त पे INS विक्रमादित्य पे 28 MiG-29 के ऑपरेशनल होते हैं, वही अगर हम यहाँ इन MiG-29s को तेजस से रिप्लेस करें तो कुल 33 तेजस फाइटर जेट इन MiG-29s की जगह एक वक्त पे INS विक्रमादित्य से ऑपरेट किए जा सकेंगे इनकी छोटी साइज की वजह से। लेकिन अगर हम INS विक्रमादित्य की बात करें तो INS विक्रमादित्य के साथ भी यही सेम चीज़ है, यानी हम INS विक्रांत से भी
एटलीस्ट 33 तेजस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकते हैं और इनका नंबर भी बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों बात यही तक सीमित नहीं है, इवन हम देखें तो तेजस एयरक्राफ्ट का जो अवेलेबिलिटी रेट है वो भी अराउंड 90-80% तक के है, जहां 28 में से 20 से भी कम MiG-29 INS विक्रमादित्य पे ऑपरेशनल या कहीं कॉम्बैट रेडी रहते हैं। वही तेजस एयरक्राफ्ट 33 में से एटलीस्ट 30 एयरक्राफ्ट हर वक्त कॉम्बैट के लिए तैयार होंगे। तेजस फाइटर जेट एक इंडिजिनस प्रोडक्ट होने की वजह से तेजस फाइटर जेट के ज़्यादातर कंपोनेंट भारत में ही निर्माण किए जाते हैं। इस कारण तेजस एयरक्राफ्ट के पार्ट्स के लिए या स्पेयर्स के लिए हमें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, जैसे कि MiG-29 के केस में हुआ है। इवन अगर हमें कोई चेंज करना होगा तेजस एयरक्राफ्ट में, तो हम खुद ही तेजस एयरक्राफ्ट के इन चेंजेस को परफॉर्म कर सकेंगे। तेजस एयरक्राफ्ट के ही ऊपर बेस्ड कैट सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि 2024 से ऑपरेशनल होगा। ऐसे में अगर इंडियन नेवी चाहे तो इस कैट सिस्टम को, जो कि 5th जनरेशन या कहे 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, इसे इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने में सक्षम हो सकेगी। ये भी एक तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांटेज है। इसी के साथ साथ भारत का तेजस एयरक्राफ्ट इजीली चाइना के नेवल फाइटर जेट से सुपीरियर साबित होगा, क्योंकि चाइना के नेवल फाइटर जेट से ज़्यादा अच्छे एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार तेजस एयरक्राफ्ट में माउंट है। लेकिन जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज़ में चाइनीज एयरक्राफ्ट के कंपेयर में खड़ा नहीं हो सकेगा। हालांकि एयर टू एयर कॉम्बैट में हम कह सकते हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट का चांस है, लेकिन एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट में तेजस एयरक्राफ्ट का कोई भी चांस नहीं बैठता। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर तेजस एयरक्राफ्ट के क्या क्या डिसएडवांटेज नेवल फाइटर जेट के रूप में हो सकते हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि तेजस एयरक्राफ्ट की जो रेंज है वो सीमित है। तेजस एयरक्राफ्ट की जो मैक्सिमम रेंज है विदाउट ड्रॉप टैंक्स वो महज 500 किलोमीटर तक के है। अगर हम ड्रॉप टैंक्स लगाते हैं तो हम एक्सटर्नल वेपन ज़्यादा नहीं कैरी कर सकेंगे, इसी वजह से ये तेजस के एक डिसएडवांटेज बढ़ता है। उसी के साथ साथ तेजस फाइटर जेट का जो इंजन है वो महज 85 kN की ही थ्रस्ट डेवलप कर सकता है। इस थ्रस्ट के साथ तेजस एयरक्राफ्ट अपने पूरे वेपन पैकेज के साथ और फुल पेलोड के साथ या कहें मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकता एयरक्राफ्ट कैरियर से। तेजस एयरक्राफ्ट में जो ASR रडार लगा है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक लाइट कैटेगरी के फाइटर जेट की है, और इसी वजह से ये एक लाइट कैटेगरी के फाइटर जेट की होने की वजह से इनकी रेंज सीमित है, जहां मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट जो है वो 300 किलोमीटर तक की रेंज वाले रडार रखते हैं। वही तेजस जो है महज 200 किलोमीटर रेंज रखने वाला रडार रखेगा, जिस वजह से एनिमी के पास चांस होगा कि वो तेजस को पहले डिटेक्ट कर ले, और जो पहले डिटेक्ट कर लेता है वो पहले प्लान बनाएगा और उसके बाद पहले ही अपना वेपन लॉन्च करके चला जाएगा। तो ये भी तेजस एयरक्राफ्ट के लिए एक डिसएडवांटेज साबित हो सकता है। दोस्तों देखा जाए तो जो नेवी का तेजस एयरक्राफ्ट है उसे हम अपने ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए या कहे हमारे TDBF फाइटर जेट आ जाने के बाद ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम तेजस एयरक्राफ्ट को खरीद भी लेते हैं या कुछ लिमिटेड नंबर में 18 से 20 के नंबर में ही ऑर्डर कर लेते हैं INS विक्रांत की एयरक्राफ्ट कैरियर की विंग बनाने के लिए, तो ये बिल्कुल भी एक गलत ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम विदेशी ऑप्शन को यहाँ नकारते हुए एक स्वदेशी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। इवन जो तेजस एयरक्राफ्ट है स्टोबार कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनसे अपनी टेक ऑफ और लैंडिंग करने की कैपेबिलिटीज़ को प्रूव कर लिया है। तो ऐसे में अगर हमें कुछ सालों के लिए तेजस जैसे फाइटर जेट को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट भी करना पड़े तो ये बिल्कुल भी बुरा ऑप्शन नहीं है, जहाँ तेजस एयरक्राफ्ट कैट वॉरियर के पूरी की पूरे सिस्टम को कैरी करने में सक्षम होगा। उसी के साथ साथ जो भी नया वेपन लगाया जाएगा वो सबसे पहले तेजस एयरक्राफ्ट के ऊपर ही माउंट किया जाएगा। वेस्टर्न और रशियन दोनों ही तरह की टेक्नोलॉजी तेजस एयरक्राफ्ट में है, जिस वजह से तेजस एयरक्राफ्ट कई गुना सुपीरियर माना जा सकता है इन दोनों देशों के एयरक्राफ्ट से। तो दोस्तों इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो तेजस एयरक्राफ्ट है फिलहाल नेवी के लिए एटलीस्ट हम इतना कह सकते हैं कि कुछ सालों के लिए इस्तेमाल में लाती है नेवी तो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फाइटर जेट साबित हो सकता है। हालांकि दोस्तों सबकी अपनी अपनी राय होगी, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक हेल्प मांगना चाहता हूँ यार, मेरे साथ यार बहुत सारी चीज़ें हुई है, लेकिन यार पता है अपने चैनल पे 12 कॉपीराइट क्लेम्स लगे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से लगे, लेकिन ये जो वीडियोस है ना
यह अभी की नहीं है, लगभग 4 से 5 महीने पुरानी या उससे भी ज़्यादा पुरानी है, यानी जनवरी फरवरी की ये वीडियोस हैं। इनमें फेक कॉपीराइट क्लेम्स लगाए गए हैं। यार इसके वजह से पता है मेरे व्यूज़ डाउन हो गए और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इवन यार मैं डिप्रेस्ड हो गया था इसके लिए यार, और इसी वजह से मैं डेली वीडियोज़ भी अपलोड नहीं कर पा रहा था यार। इसके लिए सॉरी, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल को वापस से रिवाइव करने की। मेरे साथ ये पहले भी हुआ है, इससे पहले भी ऐसे फेक कॉपीराइट क्लेम्स और फेक रिपोर्ट की वजह से मेरा जो चैनल है ऑलमोस्ट ऑफ हो गया था, लेकिन मैंने इसे वापस से रिवाइव किया हो। यार इस बार हमें अपने चैनल को रिवाइव करके रहना है और उन लोगों को हराना है जो कि हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यार ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है, वो भी आखिर हमारे डिफेंस कम्युनिटी के ही पार्ट है, लेकिन वो हमें ग्रो नहीं होने दे रहे हैं। यार इससे हमारे डिफेंस कम्युनिटी में कम लोग आएंगे और इसी वजह से अभी तक के हमारी जो डिफेंस कम्युनिटी है वो ज़्यादा ग्रो नहीं हो पा रही। मैं किसी स्पेसिफिक यूट्यूबर का तो नाम नहीं लूँगा यार, लेकिन यार जिसने भी किया है बहुत ज़्यादा गलत किया है। आप ऐसे किसी के भी चैनल को बर्बाद नहीं करना चाहिए आपको, यह आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसका एक ना एक दिन आप पे भी साइड इफ़ेक्ट, आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। जिसने भी ये किया आप बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, लेकिन प्लीज़ यार अगली बार से ऐसा मत करना। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जय हिंद।